कप्तान बाबर आजम दोबारा बन चुके हैं पाकिस्तान टीम के कैप्टन। आपको पता है कि शहीन शाह अफरीदी को हटाकर पीसीबी ने दोबारा बाबर आजम को कप्तान बनाने का फैसला किया है, जो तकरीबन बात तय पा चुकी है कि बाबर आजम ही वो कैप्टन होंगे जो T20 वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड सीरीज, इंग्लैंड सीरीज में पाकिस्तान टीम की क्यादत संभालेंगे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, अगर बाबर पाकिस्तान टीम के कैप्टन होंगे तो फिर बाबर की कप्तानी में वर्ल्ड कप 2024 के लिए पाकिस्तान का प्रोबेबल स्क्वाड क्या होगा? कप्तान बाबर आजम कौन से खिलाड़ियों के साथ वर्ल्ड कप में जाना चाहेंगे? वो कौन से खिलाड़ी को फेवरेट करेंगे, यानी कि वो किस खिलाड़ी को लाइक करेंगे कि उनकी कप्तानी में ये वाला खिलाड़ी वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए? क्योंकि दोस्तों पीसीबी ने जो नई सिलेक्शन कमेटी बनाई है उसमें 7 मेंबर्स होंगे, जिसमें मोहम्मद यूसुफ, वहाब रियाज, असद शफीक और इसके अलावा अब्दुल रज़ाक नाम भी शामिल है। लेकिन बाबर जो कैप्टन होगा वो भी अपनी राय दे सकेगा कि उसकी मर्ज़ी के मुताबिक स्क्वाड होना चाहिए। इसलिए यहाँ से अब हम बात करने वाले हैं कि कौन से वो नाम होंगे जो कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों बाबर की कप्तानी में आज जिन 15 खिलाड़ियों का मैं नाम लेने जा रहा हूँ, तकरीबन 100% आपको यही खिलाड़ी वर्ल्ड कप में खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जहां पर बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर क्या होगा, मिडिल ऑर्डर क्या होगा, पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक क्या होगा और पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक क्या होगा। तो दोस्तों अगर पाकिस्तान के पहले टॉप ऑर्डर की बात करूँ तो पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर में बाबर आजम जो कि पाकिस्तान टीम के कैप्टन होंगे, इसके अलावा नंबर 2 रिजवान, नंबर 3 सैम अयूब, नंबर 4 फखर जमान। इसके अलावा दोस्तों अगर पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर की बात करें तो उस्मान खान, इसके अलावा इफ्तिखार अहमद और आजम खान। इसके बाद दोस्तों अगर पाकिस्तान के स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें जिनके पाकिस्तान के स्पिन बॉलर कौन से होंगे तो उनमें नाम आते हैं शदाब खान, इसके बाद इसके अलावा इमाम हसन जो कि रिटायरमेंट वापस ले चुके हैं, इसके अलावा उस्साम मीर। और ये तो टोटल हो गए 10 वो नाम जो कि वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर पाकिस्तान के 3 मेजर फास्ट बॉलर्स की बात करें जो कि यकीनन पाकिस्तान के पेस अटैक का हिस्सा होंगे तो उनमें नाम आता है शहीन शाह अफरीदी, इसके अलावा नसीम शाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद वसीम जूनियर। तो दोस्तों ये होंगे वो 15 खिलाड़ी जो कि आपको T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड में खेलते हुए नजर आ सकते हैं, यानी कि वो 15 खिलाड़ी जो कि वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होंगे। इसमें कोई इक्का दुक्का तब्दीली हो सकती है, अदरवाइज बाबर की कप्तानी में यही स्क्वाड आपको वर्ल्ड कप के लिए जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों आप ख्याल में ये जो 15 खिलाड़ी मैंने आपको बताए हैं इन 15 में से कौन से खिलाड़ी को वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं होना चाहिए या फिर कौन से खिलाड़ी को पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल करना चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो। आज की बड़ी खबर, मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हुसैन स्पोर्ट्स।